आज का ये एपिसोड एक नन्हे सीरियल किलर के बारे में। हिंदुस्तान का एक नन्हा बच्चा दुनिया का कम उम्र तरीन सीरियल किलर बना। इस नन्हे सीरियल किलर का ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर बिहार के एक नवाही गांव से। इनका नाम अमरदीप सदा है। इस नन्हे सीरियल किलर का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब खानदान से था। इनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। अमरदीप ने जो कत्ल किए, इनका मकसद न कोई लालच था न ही कोई जाति दुश्मनी, बल्कि एक बीमारी की वजह से ये सीरियल किलर बना। इन्होंने अपना पहला शिकार अपने ही परिवार में से चुना। 7 साल की उम्र में अमरदीप ने अपनी ही नन्ही बहन को कत्ल किया। जब अमरदीप ने अपनी बहन को कत्ल किया तो परिवार की तरफ से इन पर कोई खास सख्ती नहीं हुई, मानो इसके बाद इनके मुंह में खून लग गया हो। अमरदीप ने कुछ ही अरसे बाद अपनी ही एक नन्ही कजन को कत्ल कर दिया। इस पर भी मामला घर परिवार में ही निपटा दिया गया। इससे इस नन्हे सीरियल किलर के हौसले और भी मजबूत हो गए। इस दूसरे कत्ल के कुछ ही अरसे बाद अपने हमसाये के 6 माह की बच्ची को घर के आंगन से उठाया और इस नन्हे कातिल ने कत्ल करके इस 6 माह के मासूम की नाश को करीबी झाड़ियों में छुपा कर लौट आया। जब इस 6 माह के बच्ची की वालिदा ने अपनी जूले में नहीं पाया तो इसने शोर मचाया, जिस पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। यूं ये मामला पुलिस के पास चला गया। इस नन्ही बच्ची की वालिदा के बार बार इसरार पर जब पुलिस और गांव वालों ने अमरदीप से पूछताछ की तो अमरदीप ने बताया, मैंने नन्ही बच्ची को स्कूल के झूले में सोती हुई देखकर इसे वहां से उठाया, कुछ ही दूर ले जाकर इनके सर पर पत्थर मारकर इसे हलाक किया और करीबी झाड़ियों में पाया है। अमरदीप के इस इंकिशाफ ने पूरे गांव में हलचल मचाया। अमरदीप की निशानदेही पर पुलिस ने इस 6 माह की बच्ची की लाश करीबी झाड़ियों से बरामद कर ली और अमरदीप को मजीद पूछताछ के लिए पुलिस ने कस्टडी में लिया। मजीद इंट्रोगेशन से ये पता चला अमरदीप ने 1 साल के अंदर अंदर 3 मासूमों की जान ली है। इस खबर ने पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला दी, मगर हिंदुस्तान के कानून के लिहाज से इस नन्हे सीरियल किलर को सजा नहीं हो सकती है, मगर इस केस के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं, इसलिए इसके साथ क्या किया गया यानी सजा दी गई या नहीं। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।